Welcome, my dear friends. Now in this session, we are going to solve our gate question. Okay. We are going to solve our gate question. And 2001 में gate में क्या question पूछा गया था कि for air at a given temperature, as a relative humidity is increased isothermally. So for that question, what is your correct option? Okay, for that question, what is your correct option? My dear friends, if you want to increase your relative humidity isothermally, that means you have to increase your relative humidity at constant temperature. At constant temperature, you have to increase your relative humidity. That means this will be your psychrometric axis, and here this will be your साइकोमेट्रिक एक्सिस एंड हियर दीज आर ऑल ये सब सारी की सारी चीजें आपको गिवन है ओके ये सब सारी की सारी चीजें आपको गिवन है एंड दिस इज योर सैचुरेशन लाइन वेयर फाई इज 100% ओके एंड दिस इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन एंड दिस इज योर व्हाट ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यू हैव टू इंक्रीज योर व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट मीन्स यू हैव टू प्लॉट लाइक दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे देखो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन 1 से लेके 2 तक क्या करनी है इंक्रीज करनी है यहाँ देखो आपका ओमेगा 1 इंक्रीज कर रहा है ओमेगा 2 की तरफ अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप ऐसा करते हो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा उससे आपको रिजल्ट मिलेगा द वेट बल्ब टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी गोना बी इंक्रीज देखो ना ये है आपकी स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइन यहाँ है H1 यहाँ है H2 तो देखो इंक्रीज कर रहा है स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन एंड वेट बल्ब टेम्परेचर गोना बी आल्सो इंक्रीज्ड वेट बल्ब टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज करेगा सो फॉर दैट क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज इट ऑल राइट सो थैंक यू सो मच